तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपना YT स्टूडियो का वेरिफिकेशन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो और ये जो प्रोसीड वाला ऑप्शन है इसको भी कैसे हटा सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना YT स्टूडियो ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद वेरीफाई इट्स यू के नीचे जो ब्लू कलर का प्रोसीड वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो सिंपली क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। एंटर योर पासवर्ड के ऑप्शन में आपका जीमेल का जो पासवर्ड है वो पासवर्ड नीचे देना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और उसके बाद फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां आपको अपना जीमेल कोड देना है। तो बहुत लोग क्या गलती करते हैं, वो अपना यहां पासवर्ड या मोबाइल नंबर डाल देते हैं, तो यहां जीमेल का कोड ही डालना होता है। तो जीमेल का कोड को पता करने के लिए आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर जो राइट साइड में जीमेल का लोगो बना हुआ है उस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके जीमेल के नीचे जो मैनेज योर गूगल अकाउंट का बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट आपको डेट एंड प्राइवेसी का ऑप्शन के साइड में सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। बस स्क्रॉल करोगे तो सिक्योरिटी कोड वाला ऑप्शन मिलेगा। कोड ऑप्शन में क्लिक करके अपना पासवर्ड या वेरीफाई जो भी फ़ोन में दिया हो आपको वेरीफाई करना है। करने के बाद आपके सामने 10 डिजिट का दो कोड आ जाएगा। कोड को कॉपी करके आपको यहां पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपका सामने ये प्रोसेसिंग एंड प्लीज वेट का ऑप्शन आएगा। तो ये आपका जो यूट्यूब का स्टूडियो है वो अब वेरीफाई हो चुका है और ये 12 या 24 घंटे के अंदर आपका जो प्रॉब्लम है, मतलब आप जब लॉगिन करते हो तो आपका बीच में जो आ जाता है वो नहीं आएगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।